इसलिए हम लोगों ने अरमान की अरदास यहाँ पर करवाई थी, जिनको पुत्र नहीं होता और संतान नहीं होती है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ गुरमीत कौर और हैप्पी सिंह फैमिली में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? हम सब बहुत अच्छे हैं। जब से यहाँ पर आए हैं अमृतसर में, बाबा जी के दर्शन हो गए हैं। अलीजा वलीद भी खुश हैं, शॉपिंग भी कर ली इन्होंने। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अलीजा और आज संडे, आज हम किधर जाएंगे फिर से? हाँ, आज हम जाएंगे बाबा बुड्ढा जी के, क्योंकि मैंने अरमान के लिए मन्नत मांगी थी ना, तो वो हम लोग उतारने जाएंगे। अरमान बाबू भी रेडी हो गया जाने के लिए। अरमान बोल दो गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सब लोग का? बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा फीलिंग आता है यहाँ ना। और बारिश भी हो गई है, ठंड भी हो गई है, अब गर्मी बिल्कुल नहीं है। बस गाड़ी आने ही वाली है, तो फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पर, शाम को फिर वापिस आ जाएंगे, लेके चलते हैं बच्चों को वहाँ पर। मम्मा पापा ऊपर बैठे हैं, वो खड़े नहीं हो सकते ना। गुड मॉर्निंग गाइस, नाउ वी और मैं पापा जी न्यू वर्क के लिए। गाड़ी आ गई है और कितने पैसे ले मैंने? बस हम लोग चलते हैं, थोड़ी देर ही है, आधा घंटा घंटा पीछे बैठे बच्चे और अरमान बैठा है हमारे साथ। अरे हम लोग आ गए हैं, अभी करवा रहे हैं जूते जमा, फिर जाएंगे माथा टेकने। दस भी है, दस भी है। अलीजा अपनी नाना जी के साथ यहाँ पर कर रहे हैं सेवा, यहाँ पर जूतों को साफ कर कर देते हैं, पॉलिश कर कर ना, सेवा चल रही है। अरमान बहुत खुश है। गाइस, अरमान ने बुझला लिया था। हाँ, बलून लिया था अरमान ने। आ जाओ चले, हाथ मुंह धो दो, अरमान को नहला दें, फिर माथा टिकाएंगे। आ जाओ अरमान, आ जाओ बेटा। हाँ आ जाओ, चलो सरोवर के पास चलो बेटा, हाथ मुंह धो ले, स्नान करे, चलो। आजो राजवीर। हाँ, कितनी फिश है वहां पर। बेटा एक मिनट वेट करो, नानी मम्मा को आने दो, वो आप लोगों की हेल्प करेंगे, प्रसाद मांगती है। आ जाओ बेटा, आ गया। अरमान और साहब नहा रहे, अरमान को स्नान करवाते हैं और फिर टिकाएंगे माथा। अलीजा अवलीन बैठी, इनके मैंने हाथ मुंह धो दिए। ऐ अरमान खुश हो गया पानी में बैठ। और जब हम पहले आए थे ना, तो वहाँ पर हम लोगों ने स्नान किया था और फिर यहाँ पर माथा टेका था और अरमान को मांगा था वाहिगुरु से। अब अरमान आ गया तो अरमान को लेकर आए हैं। कमरे में ना सकते हैं। मेरी मम्मा ने मेरे को बताया था कि आप लोग बाबा बुड्ढा जी के
गुरुद्वारा साहिब जाओ और वहाँ पर जाकर अरदास करवाओ। तो इसलिए हम लोगों ने अरमान की अरदास यहाँ पर करवाई थी। जिनको पुत्र नहीं होता और संतान नहीं होती है, सिखों के गुरु अर्जन देव जी पंजवें पातशाह उनकी पत्नी माता गंगा जी बाबा बुड्ढा जी के लिए ना मिस्से प्रसादे लस्सी और गंडे लेकर आई थी फ्रेंड्स, और उन्होंने प्रसादे शके और उनको आशीर्वाद दिया था। फिर उनके यहाँ गुरु हरगोबिंद सिंह जी हुए, तब से ये प्रथा चलती आ रही है। जिनको बेटा नहीं होता वो लोग यहाँ पर आते हैं, मिस्से प्रसादे लस्सी और प्याज लेकर अरदास करवाते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है ना तो फिर से मिस्से प्रसादे और चढ़ाते हैं। और हमारे तो अरमान 16 साल शादी के बाद हुआ है, मेरे को तो उम्मीद नहीं थी, पर वाहेगुरु ने मेरे के ऊपर बहुत कृपा की। अगर आप लोग आना चाहते हो ना तो मैं इस गुरुद्वारा साहिब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग आकर मन्नत मांग सकते हो। यहाँ पर मिलता है प्रसाद, ले लिया बेटा, आप भी ले आओ फ्रेंड्स, प्रसाद खा लो। वाहेगुरु जी। अवलीन आ जाओ, अभी हम लोग चलते हैं नाना नानी के पास, वो लोग बैठे हैं, अभी हम आए मिस्सा प्रसादा लेने। यहाँ पर मिलता है सामान, बच्चे यहाँ से देख लो, चलो 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 लेने दो इनको, क्या लेना है आ जाओ देखो भाई, फिर अब जानते ही रहेंगे, देख लेंगे इधर भी, और ले लो, और ले लो, बोलो की लेना है जल्दी करो। हाँ कितना अच्छा है ना, बच्चों का तो बहुत सामान है यहाँ पर। अरमान के लिए ये लेना, अरे 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 अरमान खुश है। हाँ अरमान के लिए कड़ा देखते छोटा सा। हाँ सही है, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा देख लो, चमक वाला देख लो, थोड़ा सा बड़ा पर अच्छा लग रहा है। कितने का भाई? अभी हम आए दुकान पर, कितना सुंदर है ना घड़ी है, यहाँ ना अंदर मार्केट बनी हुई है, और अभी हम देखते हैं
कि अंदर क्या क्या मिलता है। प्रसाद लेना बाबा जी ने, कोई नहीं बेटा इसमें डालो बैग में। क्या लेना? प्रसाद लेना। और यहाँ पर मिलती हैं जुतियाँ, ले लो, मैं इधर देखती हूँ। ये मार्केट अंदर बनी हुई है, अभी हम लोग जाएंगे बाहर घूम कर देखते हैं। आगे और भी है, बच्चे रोज आना चाहते हैं। हाँ बेटा क्या लेना वहाँ पर? मासी तो आ जाए, मासी सामान देख रही है। हाँ वही चीजें हैं सारी, प्रसाद ज्यादा मिलता है ना, प्रसाद या कड़े वगैरह। बच्चे हो हम लोग जलियांवाले बाग के पास आ गए हैं। यहाँ से एंट्री है जलियांवाले बाग की, पर अब बंद कर दिया उन्होंने, जाने नहीं देते। पुलिस बैठी आगे। अलीजा अवली ना जाओ बेटा, आज चूड़ियाँ दिखाऊं, कितनी प्यारी चूड़ी। यहाँ पर देखो मल्टी कलर की चूड़ियाँ, चूड़े, परांदियाँ बच्चों के लिए, गुड़िया के बाल लेते हैं। कितने का? एक ही बहुत है ना, खाओगे? खाओगे बेटा? ओके ऐशप्रीत को लेना, एक और दो। ऐशप्रीत, ऐशप्रीत, ऐशप्रीत अपनी मम्मा के साथ सामान ले रही है। ऐशप्रीत वो लेना बेटा, उनका क्या प्राइस है? 150 का, ये 200 का, ये 50 का बच्चे का, ये 100 का है। ये गोल्डन वाला कितने का? गोल्डन 100 का ही है। यम्मी है। आ जाओ, मम्मा चले गए, दीदी पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं, हम लोग अकेले ही रह जाते हैं। आ जाओ। इतनी भीड़, आज संडे है ना, तो कहते संडे को बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। बच्चे बस शॉपिंग करनी है। अभी हम आए गोलगप्पे खाने, राजस्थानी चाट। ये हमारे राजस्थान का भाई है। लाइन में लग जाओ ना। हाँ हाँ अरमाना कैंडी खाता है लीजा की गोदी में बैठकर, बैठ नहीं रहा था तो अभी खाता है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। हमारे पीछे लाइनें लगी हैं माथा टेकने के लिए, हम लोगों ने तो टेक लिया था। अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे और फिर लंगर छकेंगे, उसके बाद जाएंगे रूम में। वहाँ से हम लोग आ गए थे दोपहर को। मासी लेकर आई अलीजा अवलीन के लिए एप्पल वॉच। अवलीन आपके लिए। इसमें मैंने ना प्रसाद डाल दिया है। अरमान के लिए भी लेकर आई, गुड्डे देना बेटा अरमान का गिफ्ट, जो मासी लेकर आई मान के लिए, एक ये लेके अरमान ले लो। दे दो बेटा, वो खेलता है। एक मासी टी शर्ट लेके आई अरमान के लिए, माँ की जान अरमान, मासी की जान। ले भाई
मासी की जान लेके आई है। मासी देखो, अलीजा खोल कर दिखा ना। अः वाह, बहुत मेरे को दे देने, देना दिखाना बेटा। मासी की जान, बहुत प्यारा कलर है। अभी हम आए जलेबी लेने, यहाँ पर देसी घी की जलेबी बनती है और ताजी ताजी बना के देते हैं। अभी बनाएंगे, बन रही है जलेबी। अच्छा और अभी जलेबी को डाल दिए चाशनी में, लेकर चलते हैं। जलेबी हो गई रेडी, लेकर चलते हैं, बच्चे खाएंगे। थैंक यू।